हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA/BSc सेकेंड ईयर की प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक स्टार्ट की थी। अब हमारा जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल मेथड्स का चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मेथड किया था रेगुला फालसाई मेथड रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए। आज का जो हमारा मेथड है सीकेंड मेथड है, वो भी रेगुला फालसाई जैसा ही है, बस कुछ चेंजेस हैं उसके अंदर। द रेगुला फालसाई मेथड इज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट एफ ऑफ एक्स वन डॉट एफ इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन जीरो, दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइज इन द इंटरवल एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। रेगुला फालसाई में ये होता था, जैसे जैसे आप इटरेशन निकालते रहते थे वो इंटरवल को छोटा उस अकॉर्डिंग करते थे जब वो दोनों अपोजिट साइन के होते थे फंक्शन पे, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की जब जाती थी। अब इसमें हम क्या करें, सेकंड मेथड में हम इस कंडीशन को ओमिट कर रहे हैं, मतलब रिमूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को ओमिट करने के बाद जो हमारा इम्प्रूव्ड मेथड है वो है सेकंड मेथड, ठीक है। अब इसमें भी जो आपका है फॉर्मूला एक तरह से इसी तरह का ही काम करेगा जैसा रेगुला फालसाई में था, वैसा ही इसमें है फॉर्मूला। बस यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इसमें और क्या चीज़ें बताई हुई हैं, इफ़ एट एनी इटरेशन एफ ऑफ एक्स आई प्लस एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई दिस मेथड फेल्स, द मेथड डज नॉट कन्वर्ज नेसेसरीली, दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड ओवर दैट ऑफ रेगुला फालसाई विच श्योरली कन्वर्जेस। रेगुला फालसाई मेथड तो कन्वर्ज करता ही करता है, लेकिन अगर हमारे पास किसी फॉर्म में ये इटरेशन आपस में इक्वल आ जाती हैं तो ये मेथड आपका कन्वर्ज नहीं करता, ये मेथड फेल हो जाता है। बट इफ़ द सेकेंड मेथड वंस कन्वर्जेस इट्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज मोर रैपिड देन दैट ऑफ रेगुला फालसाई मेथड। अगर ये मेथड कन्वर्ज कर जाता है तो इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है बहुत हाई है, किससे, रेगुला फालसाई मेथड से। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन दिस बाय सेकेंड मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखो पहले तो एक साइड लेके चले गए हर एक चीज को। अब सबसे पहला काम तो सेम ही रहेगा हर एक मेथड में, आपका जो सबसे पहले इंटरवल आप निकालोगे वो उसी बेस पे निकालोगे जहां फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन दे रही है, वहीं पे आपका पहला इंटरवल बनेगा। जीरो पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, वन, और वन पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू आ गई -2.17798। पॉजिटिव नेगेटिव है, इट मीन्स आपका इंटरवल क्या बन जाएगा, 0.1। अब ये चीज़ याद रखनी है, पिछले में हम क्या करते थे रेगुला फालसाई में, बार बार x1 x0 चेंज करते रहते थे, है ना। अब इस वाले में आपको x1 x0 चेंज नहीं करने, जो x0 है वो x0 ही रहेगा पूरे टाइम के लिए, x1 है तो x1 रहेगा, हमारी ये इटरेशन चेंज होती जाएगी x2 x3 x4 ये इस तरह से चेंज होता जाएगा, ये फॉर्मूला अब हमारा चलेगा। देखने में तो ये उसके जैसा ही है, स्टार्टिंग अगर देखो तो है तो उसके जैसा, बस हमारी बार बार जो हम वैल्यू चेंज करते थे ना, और इटरेशन में भी ये देखते थे कि ऑपोजिट साइन है तो फिर छोटा इंटरवल कर देंगे। अब यहाँ एक बार इंटरवल जो बन गया उसके बाद कोई इंटरवल नहीं बन रहा, ठीक है। ये एक्स नॉट है तो ये एक्स नॉट ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, ये एक्स वन है तो एक्स वन रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है तो एफ ऑफ एक्स नॉट रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स वन है तो ये एफ ऑफ एक्स वन ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में। अब जो आपकी फर्स्ट इटरेशन है वो क्या निकलेगी, x0 x1 यहाँ यूज हो गए तो फर्स्ट इटरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, x2 से, मतलब i को क्या पुट कर रहे हो आप, 1, तो ये क्या बन जाएगा x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x1 x0 इंटू f ऑफ x0, सारी वैल्यूज प्रेजेंट है हमारे पास, ये पुट कर दो। x0 x2 हमारी फर्स्ट इटरेशन ये आ गई, इस इटरेशन पे फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, इंटरवल दोबारा कौन सा बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इससे। अब सीधा आ जाते हैं हम नेक्स्ट इटरेशन पे, पिछली x2 थी अब x3 आ जाएगी। अब i को क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, क्या बन जाएगा, x1 x2 माइनस x1 f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 और ये f ऑफ x1। अब ये वाली वैल्यूज यूज होंगी, x1 जहां पहले चल रहा था वही का वही रहेगा, x2 हमारा ये नया आया हुआ है, ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दी, फिर इस x3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, ऐसे करते करते बहुत सारे इटरेशंस निकालनी है आपको। अब इसमें भी फिर से क्वेश्चन हमारा कि हम इटरेशन निकालने के प्रोसेस को स्टॉप कब करेंगे। अब जब आपकी इटरेशन, इटरेशन हम इसको बोल रहे हैं ना, x2 x3 x4 x5 x6 x7 तक लेके गए हैं ये, ठीक है।
जब आपकी इटरेशंस अप्रॉक्सीमेटली सेम आनी स्टार्ट हो जाएं, तब आपका जो इटरेशन निकालने का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। देखो x5 हमारा इसके इक्वल आया, x6 इसके इक्वल, x7 इसके इक्वल, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली सेम आ गई ना, कितने 4 डिजिट तक ये सेम आ रही है, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और आपकी जो रिक्वायर्ड है 4 डेसिमल तक निकालनी थी ना, रिक्वायर्ड रूट क्या आ जाएगा, जो रिपीट होना स्टार्ट हो गया 4 डेसिमल तक, कोई भी ले लो सेम ही है, तो ये आपका रूट बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट रियल रूट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस यूजिंग सीकेंट मेथड। पहले तो हमने इंटरवल निकालना है, इंटरवल उसी मेथड से कि जहाँ आपको एक जगह पॉजिटिव दे रहा हो वैल्यू फंक्शन, एक जगह नेगेटिव दे रहा हो, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब इंटरवल हमारा क्या बन गया 1,2, ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन। फर्स्ट इटरेशन निकाली x2, मतलब i को 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। इटरेशंस निकालते जाओ और फंक्शन की वैल्यू उन इटरेशन पे निकालते जाओ, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू का हमारा सिर्फ वहाँ यूज़ हो रहा है फॉर्मूले के अंदर इटरेशन निकालने के लिए। मेन आपका जो डिपेंड कर रहा है कि इटरेशन निकालने का प्रोसेस स्टॉप कहाँ होगा, वो आपका इन एक्स साइज की वैल्यू पे है। जैसे ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई है हमारे पास इटरेशन की, फिर ये आई है, अभी तो अप्रॉक्सीमेटली सेम आनी स्टार्ट नहीं हुई ना, अभी आगे तक चलाना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला आपका वही एक यही वाला आपका सीधा चलेगा हर एक इसमें सीकेंट मेथड में, ठीक है। अब ये आ गई हमारी वैल्यू, पिछले में क्या थी 1.8578 था, अब 1.8556 है, नेक्स्ट में देखो रिपीट होगी ना, 1.8556, अब तो एग्जैक्टली रिपीट होगी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है, इटरेशन सेम आनी स्टार्ट जहाँ हो जाए वो आपका रिक्वायर्ड रूट बन जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड रूट क्या है 1.8556, जहाँ ये वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए वहाँ प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करके ज़रूर देखने हैं, तभी आपके दिमाग में मेथड फिक्स होगा। बस इसके बाद वैसे आपका 2 लेक्चर का और काम है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ ही आपकी 3rd यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।